क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार चौधरी। किस पद के लिए आप नामांकन करवाए? नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज मैं नामांकन करवाया हूँ। किस वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 4। अच्छा, क्या लगता है आपको, आप किस किस समस्याओं पे ध्यान देने वाले हैं जीतने के बाद? राहुल में अनेकों समस्याएं हैं जी। जनता से रूबरू लगभग 1 साल से मैं होता आ रहा हूँ जी, और 50 समस्याएं विकराल यमराज बन के बैठी है, जिसमें लोगों का पलायन, रहुई में कोई विकास का न होना, रहुई से लोग अशांति के कारण भयभीत हैं, हर घर घर में लोग अशांत हैं, ऐसी स्थिति रहुई की है जी। और इस सारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द और बखूबी 100% के लिए मैं तत्पर रहूँगा, और हर व्यक्ति, हर धर्म, हर जात जी, उनके बीच समर्पित भाव से प्यार और संभावना का गठजोड़ करूँगा। आप प्रत्याशी के समर्थन में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ये प्रत्याशी जो है बहुत अच्छे हैं और काम कई वर्षों से कर रहे हैं जी। अब हम लोग इनको जानते हैं, इनका बहुत ज़रूरत था। 20 वर्षों से जिस तरह रावण राज था, उसको अब राम राज में लाना है, और काम देखिएगा 5 वर्षों में जो 20 वर्ष में हुआ, जो 5 वर्षों में होगी जी। मतलब वो जीतने के बाद हमेशा गरीबों के लिए रहेंगे, हमेशा हमेशा रहते गरीबों के लिए, चाहे आपको चपाकल का हो, नल जल योजना हो, चाहे विद्यालय का हो, किसी भी तरह का, सबका निराकरण करते हैं। बिना जीते हुए भी कर किए थे, और जीतने के बाद तो फिर और करेंगे। जीतने से पहले ही करे तो जीतने के बाद और भी ज्यादा करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ, और ये हमारे जो प्रत्याशी हैं मनोज भैया जी, इनके इतना समर्थन है जितना हम लोग सोचे भी नहीं थे, इतना समर्थन। हम लोग नॉमिनेशन तक गए और अभी देखे आप, इतना फूल माला, मतलब हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे कितना समर्थन हम लोग को मिलेगा जी। मतलब जो विपक्ष है वो देख के आज एकदम थर्राई हो गया है कि भाई मनोज भैया 2-4 हजार वोटों से जीत रहा है जी। और सबसे बड़ी समस्या जो हमारे रहुई का आज तक रहा है, तो हम लोग सब मिलके जो समस्या भैया को रखे, भैया खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मतलब हम लोग संगठित होकर इनको लड़ाया गया है कि भाई आप ही एक समस्या का हमारा निवारण कर सकते हैं, और कोई रहुई में नहीं है जो हमारा निवारण कर सकता है जी। जितनी भी समस्या है सबको हल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से भैया हमारे राजनीति में थे, और जिस प्रकार से इनका छवि है, वो लीडर और काम के प्रति जो छवि है जी, वो छवि को देख के हम लोग इनको, जो युवा क्लब है पूरे रहुई का, वो हम लोग इनको प्रत्याशी हम लोग ने लाया है इनको, और हम लोग का ये आशा है कि जीतने के बाद जो सारा समर्थन है, और उसका जो समर्थन पर भैया खड़े होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रेणु देवी। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप समर्थन में? समर्थन में यही बोल रहे हैं कि हमारे मनोज भैया जो है ना, पहले से कार्यक्रम किए हुए हैं, अभी समस्या जो गरीबों का है, अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबका समस्या ही निदान करेंगे। गली नली वृद्धा पेंशन ये सब बनाएंगे, कोली उन्नी सब पास करवा देंगे, और सब जनता के लिए ही समर्थन करेंगे जी। हमेशा गरीबों के लिए तत्पर रहेंगे, काम गरीबों के लिए हम तैयार रहेंगे हर समय, गरीबों के लिए हर समय तैयार रहेंगे 2400 घंटा के लिए।